नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और उनसे भी कई गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव लेकर आ रहा है। जी हाँ, बता दे कि बेटा, यह खुशखबरी सिर्फ आपके लिए है, इसलिए देर मत करो, जल्दी से आकर ले लो। ज्यादा देर लगाओगे तो यह मौका आपके हाथ से निकल सकता है, इसलिए ज्यादा देर मत करो दोस्तों, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि रिद्ध सिद्ध के दाता अब भगवान श्री गणेश जी और धन की देवी माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर मिलने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी बता दें कि अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति आपको करोड़पति बनने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक व्यक्ति तुम्हें बनाए गए धनवान। आपके 5 बड़े सपने सच होंगे आने वाले अगले 24 से 33 घंटे के भीतर, और बता दे कि दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको मालामाल बनने से। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि यह जो आने वाले अगले 24 घंटे का समय है, अगले दिन 24 घंटे के समय अवधि में धन लाभ का समय रहने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर रिद्ध सिद्ध के दाता भगवान श्री गणेश जी और धन की देवी माता रानी महालक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है, जिसमें से कि आपको धन लाभ होगा ही होगा। आपके लिए सबसे अच्छा और भाग्यशाली समय शुरू होने जा रहा है। अब कोई भी रुकावट राह में नहीं आएगी, कोई भी परेशानियां, कोई भी मुसीबत आपका पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि अब आपके जीवन काल से सभी को दर्द समाप्त होने वाले हैं, और मिलने वाली है आपको एक नई जिंदगी। आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आने वाली है, इसलिए दुनिया का कोई भी ताकत अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके ऊपर भगवान श्री गणेश और धन की देवी माता महालक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर एक ऐसे दिव्य शक्ति की कृपा बरसेगी जिसकी संपूर्ण जीवन की दशा ही बदल कर रख देगी। बता दें कि आपकी कुंडली में रिद्धि सिद्धि योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग, सौभाग्यवान योग, नौकरी योग, धन योग, राज योग के साथ साथ सौभाग्यवान योग बन चुके हैं, जिससे कि आपके लिए यह जो समय रहने वाला है बहुत ही शुभ मंगल कार्य समय रहने वाला है। अब आपकी एक भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दिव्य शक्ति आ चुका है, जिससे कि अब आपके जीवन की सभी रास्ते एक एक करके खुलने वाले हैं। एक प्रकार से यूं कहें कि आपकी बंद किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप भगवान श्री गणेश जी और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इस प्रकार से धन लाभ होने वाला है। अगले 24 घंटे का संपूर्ण और सटीक राशिफल देंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसीलिए आज की यह जो ज्योतिष कार्यक्रम है, यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही खास है। इस वीडियो को ना ही मिस कीजिएगा और ना ही स्किप कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है, वीडियो को थोड़ा सा भागा भागा कर देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमें लाभ नहीं हुआ। लाभ तभी होगा और खुशखबरी तभी मिल पाएगी जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं और वीडियो का निर्माण करते हैं, इसलिए मेरी आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध है और इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, बहुत ही जांच परख करने के बाद, ग्रहों का विश्लेषण करने के बाद ऐसा वीडियो बनता है। देखिए दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, बिजनेस व्यापार को लेकर रहो, प्रेम से संबंधित हो, घर परिवार से संबंधित हो, या फिर किसी अन्य प्रकार की हो, भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी सभी अधूरी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। जी हां, क्योंकि एक बड़ा शक्ति आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, जिस कारण से आपकी किस्मत में जो चीज नहीं है वह चीज भी अब आपको मिलने वाला है। जी हां,
अब आप अपने जीवन काल में इतनी तेज गति से आगे बढ़ोगे कि देखने वाले भी सब लोग देखते ही रह जाएंगे और सब लोग यही सोचेंगे कि आखिरकार यह अपने जीवन में कर क्या रहे हैं, कौन से भगवान का पूजा पाठ करते हैं जो कि इस तरह के खजाने की चाबी उनके हाथ लगी है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप अपने जीवन काल में लगातार तरक्की पर तरक्की करते जाओगे, एक के बाद एक कामयाबी अब आपको मिलने वाला है और ऐसे ऐसे सुनहरे अवसर अब आपके जीवन काल में आएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यह सब किस्मत का कमाल है और ऐसी किस्मत सभी को नहीं मिलती है। ऐसी किस्मत केवल उन्हीं को मिलती है जो लोग भगवान के नजरों में अच्छे होते हैं, और भगवान के नजरों में अच्छे होने के लिए जीवन में बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत पीड़ा सहन करना पड़ता है, और वह सभी खूबियां आपके अंदर है, वह सभी खूबियां आपके अंदर पाई जाती है। दोस्तों, यह जिंदगी है और यदि यह जिंदगी बिखरे कि नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो उलझेगी कैसे, जीवन में परेशानियां भी आएगी, दुख भी होंगे, लेकिन जो खामोशी से शहजाद है वह निखर जाता है और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। जिनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है उनके पास धीरे धीरे करके सभी चीज होती है, गाड़ी बंगला घर द्वारा बैंक बैलेंस है, ऐसो आराम की जिंदगी। क्योंकि भगवान कुछ भी देने से पहले इंसान को परखता है कि जो चीज मैं तुम्हें देना चाहता हूं उसे चीज के लायक तुम हो भी या नहीं। दोस्तों, यह कलयुग है और इस कलयुग में लोग 10,000 की नौकरी देने से पहले परीक्षा लेती है, इसलिए भगवान भी आपको कुछ भी देने से पहले परीक्षा तो लेंगे ही। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी दांव पर लगने वाली है। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन जो चीज आपको मिलेगी यह खुशखबरी आपके चेहरे पर लाली और होठों पर मुस्कान ला देगी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज आपको मिलेगी, बहुत बड़ी कीमती चीज आपको मिलेगी, एक प्रकार से यूं कहें कि खजाने की चाबी आपके हाथ लगेगी। जी हां, भगवान श्री गणेश और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सब जगह सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं। जी हां, अब सब जगह कामयाबी का झंडा लहरेगा, पूरी दुनिया सलाम ठोकेगी आपकी किस्मत को देखकर, क्योंकि बहुत बड़ा जादू आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, सावधान रहिएगा क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे, और याद रखिएगा, ऊपर वाले ईश्वर की परीक्षा बहुत कठिन होती है, लेकिन भगवान की परीक्षा में यदि आप पास हो जाते हैं तो फिर आपकी तो चांदी ही चांदी है, आपकी तो मौज ही मौज है। दोस्तों, वर्तमान समय अवधि में आपके जीवन काल में काफी सारी परेशानियां और कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, और यहां तक पैसों की भी समस्या आपकी जानकारी में काफी चली आ रही है, लेकिन यह सब आपकी ही गलती के कारण हो रही है, क्योंकि पूर्व समय अवधि में अपने अपने जीवन काल में जो गलतियां की है उसी चीज का सजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। जल्दी सफलता पाने के लिए आप कभी भी शॉर्टकट अपने की भूल मत करना, क्योंकि शॉर्टकट जो रास्ता होता है वह बहुत ही खतरनाक रास्ता होता है, क्योंकि ऐसे रास्तों का अंत बहुत जल्द हो जाता है। जी हां, और वही गलती आप अपने जीवन में किए हैं। देखिए दोस्तों, जो इंसान सीढ़ियों से चलकर ऊपर छत तक जाते हैं उन्हें वह रास्ता मालूम हो जाता है, और अगर वह इंसान गिर भी जाता है तो फिर दोबारा वह वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन जो इंसान लिफ्ट का इस्तेमाल करके ऊपर फ्लोर तक जाते हैं और किसी कारणवश लिफ्ट खराब हो गया या फिर कोई समस्या आ गया तो वह इंसान ऊपर फ्लोर तक नहीं जा सकता, और यही आपके साथ हो रहा है। इसलिए एक दूसरे के कंधे पर पैर रखकर कभी भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि ऐसे इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हां, कुछ दूर तक जा सकता है मगर फलता कभी मिलेगी नहीं, ऐसे इंसान कभी सफल नहीं हो पाएगा। आगे आने वाली समय अवधि में आपको अपने भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलता हुआ नजर आएगा, और यह जो समय है यह समय अपने गलतियों पर और अपने दुखों पर रोना रोने का समय नहीं है, अपने गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का समय है। जी हां, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं वह इंसान उतना ज्यादा दिखते हैं, पर अपने किस्मत पर कभी भी रोना मत रोना कि हमारी किस्मत ऐसी है वैसी है, मैं सबसे खराब हूं, उनकी किस्मत अच्छी है, वह अपने जीवन काल में बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं,
मैं जहां का वहीं रह गया हूं, तुलना कभी मत करना, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे और ज्यादा खुद को तकलीफ दोगे और खुद को डिमोटिवेट करोगे। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, धन के देवता, धन के मालिक भगवान कुबेर महाराज जी ने दिया बहुत बड़ा आदेश कि आपको ढेर सारा रुपया पैसा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी की आशीर्वाद से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में भगवान कुबेर महाराज जी का वास होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आपका पूरा घर पैसों से और धन दौलत से भरने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और बिल्कुल सटीक सुन रहे हैं। दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि बहुत ही बड़े शुभ संकेत आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहां समय से आपको अपने जीवन काल में कौन कौन से शुभ संकेत मिलने वाले हैं। आपको अपनी व्यापार व्यवसाय कैरियर बिजनेस लव लाइफ स्वास्थ्य पारिवारिक जीवन आपको अपने दैनिक दिनचर्या में व अन्य सभी क्षेत्रों में यह समय से कौन कौन से परिवर्तन लेकर आ रही है, कौन कौन से बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानती हैं पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान कुबेर महाराज जी की सच्चे भक्त हैं तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज जरूर लिखें। इससे भगवान कुबेर महाराज जी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, आज की यह वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है। जी हां, इसलिए अगर कोई आसपास ना हो, अगल बगल में कोई ना हो, तभी देखना, क्योंकि आज की यह वीडियो में हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी एक ऐसा चाल चलने जा रहा है जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अचानक से बदलेगा, अब आपका भाग्य देखने वाले देखते ही रह जाएंगे और आप अपने जीवन में अब ऐसी तरक्की करेंगे, अब आप अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ेंगे जिससे देखकर आपके दुश्मन सीधा बेहोश हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी कुंडली की चाल बदल चुकी है, अब वह लाभ की स्थिति में पहुंच चुकी है जिससे अब आपको लाभ ही लाभ होगा। भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी तो आपके ऊपर मेहरबान हैं ही, साथ ही साथ धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि अब आपकी टूटी फूटी किस्मत पुनः चमकेगी और आपको जिंदगी का असली सुख मिलेगा। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त पर काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, भगवान आपके जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आने देंगे, क्योंकि जो इंसान ईश्वर पर यकीन रखता है ईश्वर उनके जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आने देता है, इस बात की 100% गारंटी है। दोस्तों बधाई हो, डमरू वाले बाबा ने दिया 5 बड़े शुभ संकेत जो कि धरती पर ही आपको स्वर्ग का वह सुख मिलने वाला है जिन सुखों के बारे में आपने सपना देखा था। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, तो तैयार रहना, आपकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको यह एहसास होने वाला है कि भगवान के घर देर तो है परंतु अंधेर नहीं। भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के रहते हैं, और जिनके ऊपर भगवान एक बार मेहरबान हो जाते हैं उनकी जीवन में समझ लो कि 4 चांद लग जाती है। जी हां, आपके जीवन में डमरू वाले का कृपा बरसेगा। जी हां दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आपको अगले 7 जन्म तक नहीं मिला होगा। अगर आप मजाक समझने की भूल करोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा, इसलिए मजाक समझने की गलती मत करना, और आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से कलयुग में पहली बार इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। जी हां, कहने का तात्पर्य है आपके जीवन में एक नई बदलाव देखने को मिलेगा, आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी कैरी हम आप सभी को बता दें, सूर्य ने हाल ही में अपना बड़ा राशि परिवर्तन किया है, इसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इससे भी आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा।
लेकिन बिजनेस व्यापार करने वाले जातक आज जरा सावधान रहें, क्योंकि आज नुकसान होने की आशंका थोड़ी ज्यादा लग रही है। खास तौर से व्यापारी लोग आज उधार देने से बचेगा, नहीं तो आपका धन डूब सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी परेशानियां अब दूर होने वाली और यह परेशानियां प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से दूर होंगी। इसलिए आप प्रभु श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी को भी पूजा करें और हनुमान जी के अंगूठे में लगा सिंदूर को आप अपने सर पर लगाकर घर से निकले तो इससे आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। और जो काम आपके नहीं बन पा रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आपका वह काम बनने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। जी, उपाय छोटा सा है, बहुत ही सरल है, आप एक बार आजमा कर देख सकते हैं। इससे आपको नुकसान नहीं, केवल लाभ ही लाभ होगा। अगले 24 घंटे तक सितारे कौन कौन से संकेत दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में कौन सी सावधानियां का आपको पालन करना चाहिए, यह भी हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके दोनों आंखों से इतने आंसू निकलेंगे जिससे आप कभी रोक नहीं पाओगे और यह सब आपकी खुशी के आंसू होंगे। जी हाँ, क्योंकि पिछले काफी समय से आप अपने जीवन में दुख काटते आ रहे हैं और इतना दुख आपके जीवन में था, इसके बारे में बताने में भी मुश्किल हो रही है। और जब अचानक से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा, ईश्वर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देगी, तो आप खुद खुशी से रो पड़ोगे। जी हाँ, चाहते हुए भी आपको रोना पड़ेगा। दोस्तों, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुख दुख तो सभी के जीवन में चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसानों को दुख सुख के बारे में परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख सुख सर्कस के झूले की तरह होती है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि सर्कस का झूला जितना पीछे जाता है वह उतना आगे भी जाता है, और ठीक ऐसे ही इंसानों के जीवन में सुख दुख होता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में यह जो दो बड़े ग्रह गोचर बना रहे हैं, यह दोनों आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकलने का भरपूर प्रयास करेगा। जी हां, यह आपके अंदर से शक्ति देंगे, मोटिवेट करेंगे, जिससे आपके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपने कार्यों में आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे का यह जो समय है, इस समय आपके लिए अत्यंत ही खतरनाक समय रहने वाला है, क्योंकि आपके नाम का पर्चा बना चुका है और आपका परिचय में धन संपत्ति प्रताप का भी योग है। लेकिन आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी आपकी कुंडली में लिखी गई है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। आखिर वह कौन कौन सी घटना, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी बाबा बागेश्वर धाम सरकार जी के पर्चे में लिखी है, इन सभी की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना अति आवश्यक है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर साक्षात माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जी हां, और यह बहुत ही खुशी की बात है कि अब साक्षात माता महालक्ष्मी जी आपके घर पर विराजमान होने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपके लिए बहुत ही कीमती समय है, यह समय आपके लिए गोल्डन समय रहने वाला है। दोस्तों, ऐसा समय और ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक मिनट एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है और इस समय अवधि में आप अपने जीवन में खूब प्रगति करने वाले हैं। पिछले काफी समय से आपके दुश्मनों ने आपकी प्रगति के रास्ते रोके रखे थे, लेकिन अब भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपको अपने सभी दुश्मनों से छुटकारा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना, जो लोग कभी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, उनके जीवन में हमेशा अच्छा ही होता है। कर भला तो हो भला, यदि आप दूसरों के बारे में भला सोचोगे तो आपके बारे में भला सोचने के लिए ऊपर में परमात्मा बैठे हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिन लोगों के लिए आप हमेशा तैयार रहे हैं, जिन जिन लोगों को आप हमेशा मदद की है, सबसे पहले उन्हीं लोगों ने आपके लिए बुरा चाहा है, सबसे पहले वही लोग आपके खिलाफ होते हैं और आपके लिए गड्ढे खोलते हैं।
तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद करना छोड़ दो, और जो जैसा करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। यह बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि दूसरों के साथ बड़ा करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि जो तुम एक दूसरे को दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो, मान सम्मान हो, रुपया पैसा हो, या फिर धोखा देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि हमें वही मिलेगा जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं। दोस्तों, गुरु जी के इन बातों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहें, जी गुरु जी आप बिल्कुल सही बोले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। माता रानी का शुभ कदम आपके घर में पढ़ने वाली है, जिससे कि अब आपके जीवन में आने वाले समय में पैसों का भंडार लग जाएगा। जी हाँ, इतना पैसा आपके जीवन में आएगा कि आप उन पैसों को संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि पैसा इंसान को अमीर नहीं बनता है, पैसों का सही सदुपयोग इंसान को अमीर बनता है। यदि आज आपके पास पैसा आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर हमेशा ऐसा ही आपके जीवन में रहेगा। हो सकता है आने वाले समय में पैसों की समस्या हो सकती है, इसलिए पैसे को संभाल कर खर्च करें, और पैसों को संभाल कर रखें आने वाले समय के लिए, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। ऐसे में दोस्तों, क्या करना आपके लिए सही रहेगा, क्या करना आपके लिए सही नहीं रहेगा, किन चीजों से बचना होगा, किन चीजों से सावधान रहना होगा, कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करनी है, शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। ऐसे में दोस्तों, आपका दायित्व बनता है कि आप थोड़ा सा समय लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपकी किस्मत के द्वार खोल सकता है और आपके भाग्य को चमका सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे आपका किस्मत का द्वार खुलेगा और कैसे आपका भाग्य चमकेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि सारा खेल नसीब का है। नसीब अगर आपका अच्छा तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर नसीब खराब हो तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, सब कुछ बुरा ही होगा। लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि तकदीर भी बदलती है। कभी कभी हमारे जीवन में वह हो जाता है जिसके बारे में हम ना कभी सोचे होते हैं और ना ही कल्पना की होते हैं, लेकिन जो भी होता है वह सब भगवान की मर्जी से होता है। आपको केवल भगवान पर भरोसा रखना है, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करते हैं। आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर आपकी तकदीर का खेल शुरू होगा। जी हां, आज धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि आज आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं, या फिर तो आज के दिन धन का लेन देन बहुत सावधानी से करें। खासकर अगर आज के दिन किसी को धन उधार ना दे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए खुशखबरी है, नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे, ट्रांसफर के योग बनेंगे। हालांकि मान सम्मान तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जगह भी शिफ्ट होने का मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों, आज आपको अपने स्टाफ और उच्च अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, धन इनकम के योग बन रहे हैं, खर्चे आज आपके कम होंगे, इसीलिए आपको सेविंग पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने धर्म को शेयर मार्केट देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ग्रह गोचर तथा भाग्य दोनों आपके अनुकूल रहेगा। जी हां, ग्रह गोचर का भी पूरा साथ मिलेगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा। दोस्तों, एक कहावत है कि किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ये बात तो आप सभी को पता ही है, अगर किस्मत मेहरबान हो तो आप कुछ भी करो, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। सेम यही चीज आज आपके साथ होने वाला है। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मंजिल उनको नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते, मंजिल तो उनको मिलते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। कोई भी चीज अगर आप अपने दिल और दिमाग में हम लेंगे, बिठा लेंगे, यह चीज मुझे करना है, तो वह काम किसी ना किसी तरीके से हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान भी विवश हो जाता है मेहनत और परिश्रम देखकर, और अंत में भगवान भी अपना राय, अपना फैसला बदल देखिए। दोस्तों, आपकी तकदीर का द्वार खुल चुका है, तो आज आपको धन प्राप्ति के नए मार्ग मिलेंगे, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, धन के इनकम में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी,
क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो चुकी है। चारों दिशाओं से, चारों तरफ से धन आने की संभावना है और जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं, नई नौकरी मिली है, उन्हें अधिक से अधिक मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर के योग बनेंगे। आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है क्योंकि आज आपका भाग्य आपको बहुत साथ देगा। जो भी काम आप अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ेंगे वही काम किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से हो ही जाएगा, लेकिन कामों को डालने का प्रयास ना करें नहीं तो दिक्कत होगा। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उस काम को खत्म करके ही दूसरे कामों के बारे में सोचें तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। आपसे सामाजिक संपर्कों पर और ध्यान देने की अपेक्षा है। आपके आकर्षक व्यक्तित्व का सब पर प्रभाव पड़ी डीहेगा। इसके अलावे आपको उन लोगों पर भी ध्यान दें जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी व्यस्त कार्यशैली के बावजूद सेहत का ध्यान रखें। आप पूरी तरह अलग जलवायु वाले किसी स्थान पर यात्रा की योजना बना रहे हो, अगर किसी गर्म जलवायु वाली जगह पर जा रहे हो तो चाहे पसंद हो या ना हो खूब खीरा खाएं। अगर जलवायु ठंडी हो तो विशेष ध्यान रखें और बहुत सारे गर्म ऊनी कपड़े पहनकर अपने शरीर में ठंड को घुसने से बचाएं। आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। ये हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से आ सकती है। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ी रहे। आप अपने सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे और कार्य क्षेत्र में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन व्यापार के मामलों में किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करें। धोखाधड़ी की संभावना है। यदि संभव हो तो अपनी व्यापारिक सौदों को दूसरे दिन पर ठाले और अपने सहयोगियों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करें। आपके अनिर्णय की स्थिति से बिना बात की परेशानी पैदा हो सकती है। परिवार से जुद्धे और रियल एस्टेट से जुद्धे हुए मुद्दों को आपको अब गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपको इनसे संबंधित कोई पत्र प्राप्त होगा। पुरानी अधूरी अनसुलझी बातें अब आपको परेशान करेंगी और आप इन्हें सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आज आपको शारीरिक रूप से थकाने वाले काम करने होंगे और आप इसका हर पल आनंद लेंगे। आप इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और सभी एथलेटिक और खेलों संबंधी गतिविधियों में कमाल का प्रदर्शन करेंगे। आप काफी मेहनत करते हैं और सफलता से जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। हालांकि जब तक आहार का ध्यान रखेंगे इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। आज आप अपने साथी के बारे में कुछ नया जान सकते हैं और इस नई जानकारी की वजह से आपको एक बड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह एक सुखद आश्चर्य है। वास्तव में इस नई जानकारी के कारण रिश्ते में आ रही समस्याओं और भ्रामक मुद्दों को आप हल कर सकते हैं। इस स्थिति का लाभ ले और अपने साथी के साथ प्रेम से दिन बिताएं। आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि दिख रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है, लेकिन आपका डर निराधार है। यहां तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे। सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं, काफी समय लेने वाला अपना कोई अधूरा काम पूरा कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं को भी शुरू कर सकते हैं। आज शाम खेल और मौज मस्ती के नाम रहेगी। अपने नए पुराने दोस्तों के साथ समय बिताएं और मजे करें। खरीदारी में विशेष आनंद आएगा। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती हैं और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैलीय खाने की मात्रा को कम करके
आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध पर जिद्दीपन को हावी न होने दें। आपका पार्टनर समझौते के मूड में नहीं है, इसलिए आपको ही समझदारी और लचीले रवैये से काम लेना होगा। आपके इस कदम से आपकी रोमांटिक लाइफ में भी सुधार आएगा, आपके पार्टनर को भी आपके दोस्ताना अंदाज का एहसास होगा। अर्थपूर्ण भाव। भंगिमाओं से अपने पुराने संबंध को एक नया अर्थ देने की कोशिश करें। आप इस समय शांति में नहीं हैं। आपके दिल और दिमाग के बीच एक निरंतर युद्ध है कि किस तरह से नैतिक और तार्किक रूप से सही निर्णय लिया जाए। अपने दिल की बात सुने और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ करें। अपने आप को एक नई जिम्मेदारी सौंपे। अगर आप बिना सोच के खर्च करेंगे तो आपको वित्तीय परेशानी हो सकती है। यह सोचने और जानने के लिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, कुछ देर एकांत में बैठें। पिछले कई दिन काफी व्यस्त रहे हैं, इसीलिए आपको अपने उद्देश्यों का फिर से मूल्यांकन करना है और यह भी देखना है कि आपके काम किस प्रकार आपके जीवन और संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। यात्रा संभावित है। हालांकि हमारा सुझाव यह है कि किसी रोमांचक ताबड़तोड़ यात्रा के स्थान पर शांतिपूर्वक अपनी छुट्टियां बिताएं। आप पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत पर कुछ कम ध्यान दे पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी अतिरिक्त देखभाल करें। अगर आप अपनी सेहत के मामले में लापरवाही करेंगे तो आपको बुखार या दूसरी छोटी मोटी तकलीफें हो सकती हैं। अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपने दिल का राज बता सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी राहत मिलेगी। अगर जरूरत हो तो अपनी मानसिक स्थिति और जीवन शैली भी बदलें। आज का दिन कुछ बातों को स्पष्ट करने और छिपी हुई बातों को सामने लाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बातों को स्पष्ट करना एक ऐसी जरूरत है जिसे आप टालते रहे हैं। इससे आपके संबंध में पारदर्शिता आएगी और नई ताजगी मिलेगी। दिन के आखिर में शाम तक प्रिय की ओर से रोमांटिक मूड का तोहफा मिल सकता है। आप यात्रा और सामाजिकता से जुड़े व्यवसायों से जुड़े हो सकते हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाए क्यों कि आप महान महत्व के लोगों के साथ बहुत अच्छा जाल या संवाद स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान दें। आपके प्रतियोगी आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए एक कड़ी प्रतिस्पर्धा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली और प्रभावी है, जो आज आपके हितेशियों तथा विरोधियों सहित सबके सामने आएगा। अपने शुभचिंतकों की बातों पर ध्यान दें और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दें। आपके बद्दीधे आपका साथ देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करने में आपकी मदद करेंगे। आप आज कुछ अंतर्मुखी सा महसूस करेंगे और अपनी खुद की भावनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको किसी आंतरिक भावना से यह भी महसूस होगा कि अब कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके नकारात्मक परिणामों को भी ध्यान में रखें, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए अपनी भीतरी शांति बनाए रखकर केंद्रित रहें। आप अपने पार्टनर या अपने संबंध के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आज से ही स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे काम और व्यक्तित्व की ऐसी बातें जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थीं, अब साफ होना शुरू हो जाएंगी। इससे आपको यह फैसला लेने में खासी मदद मिलेगी कि आप इस संबंध में कितना निवेश करना चाहते हैं और किस तरह की और कितनी सीमाएं रखना चाहते हैं। आज आपको लगेगा कि कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है और उनकी वजह से आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखिए, आप ईमानदार और मेहनती हैं। यहां तक कि आपके मालिक आपकी बाधा और परेशानी को समझते हैं, इसलिए आप ईमानदार रहे और हमेशा की तरह काम करते रहे। लाभ बनाने के लिए आपको विदेश में किसी के साथ साझा काम करने की जरूरत है। आपके वित्त और धन में बढ़ने की क्षमता है। आज आप काल्पनिक से मूड में हैं। अलग अलग भूमिकाएं निभाने और कल्पनाओं में आपको बहुत मजा आता है। आप अपने लिए हर कहीं रोमांस ढूंढ लेते हैं। आपकी सपनों की एक दुनिया है जिसे आपको सच करने का मौका मिल सकता है। आप आज अपनी भावनाओं के वश में होकर संबंधों या करियर में कुछ असंभव सा हासिल करना चाहेंगे। हालांकि बड़े फैसले लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। आज स्थिति आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। या तो आपको दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है
या स्वास्थ्य संबंधी एक से अधिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये सब जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगा। आपको बस किसी ऐसे विशेषज्ञ से सलाह लेनी है जो इस मामले में काफी कुशल हो। इस समय आपको अपने संबंधों से एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बद्धी तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और इससे आप यह तक भी नहीं समझ पा रहे कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखते हैं। यह समय सारे अतिरिक्त कबाड़च को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है, ताकि आप सही फैसले ले सकें। दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्य खत्म करने की कोशिश करें। आपको दिन के उत्तरार्ध में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी क्रय या विक्रय में सावधानी बरतें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति पर एक मजबूत नियंत्रण करना होगा, ताकि आप अपने खर्च को संतुलित कर पाएं। आज स्वयं को भौतिक चीजों के मोह में फंसा अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कस कर न पकड़ें। बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है, सहज बने रहें। जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते, अपना नजरिया दृढ़ ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा। थोड़ी से मेहनत और धीरज के साथ आपका दिन आज बहुत सफल सिद्ध हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती धीरज बनाए रखन ही है। आपको समय बहुत ही धीमी गति से सरकता हुआ महसूस होगा और आपको लगेगा कि जिस गति से आप चाहते हैं, उस गति से अब कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो सारा एजेंडा ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए दिन की शुरुआत किसी राहत देने वाली एक्सरसाइज से करें। आज अपने अपने संबंधों में अधिक तर्क और सवाल जवाबों से काम लेंगे। किसी अच्छे आदमी के साथ इस तरह का औपचारिक व्यवहार उसे नाखुश कर सकता है, जिससे दिन असफलता में बदल जाएगा, जबकि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता था। अपनी और अपने पार्टनर की सेंसुअलिटी को नए सिरे से तलाश करें। यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें। ये धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ये याद रखिए कि एकता में बल है, इसलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है। आज दुविधा और उलझन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यह बस ऊपरी आवरण है। जैसे ही स्थिति साफ होगी, आप वास्तविकता को देख पाएंगे। शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ सा लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अपना समय लें और चलते रहें, आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन तो जरूर होंगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए शुभ साबित होंगे। आप दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में लापरवाह हैं। इससे बेहद जल्दी आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप मानवता की सेवा करने का अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे।